दोस्तों, अगर आप गूगल पर कुछ रहस्यमयी जगहों को ढूंढेंगे तो आपको भानगढ़ किला जैसे और कई प्रसिद्ध नाम के लिस्ट दिखाई देंगे, और उसी लिस्ट में एक ऐसी जगह भी शामिल है जो अपनी भूतिया कहानियों से नहीं बल्कि अपनी दैविक शक्तियों के कारण मशहूर है। और दोस्तों, उस जगह का नाम है निधिवन। निधिवन के उन जंगलों में होने वाले घटनाओं को अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निधिवन उत्तर प्रदेश के एक वृंदावन नाम के शहर में है। निधिवन जंगलों के बीच में श्री कृष्ण और राधा जी का एक सुंदर सा मंदिर है। जंगलों के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में दिन में करीब हजारों भक्त आते हैं, लेकिन दोस्तों शाम होते ही यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता। यहाँ के लोगों के अनुसार शाम के बाद जो इस निधिवन के जंगलों में जाता है या तो वो मर जाता है या तो वो पागल हो जाता है। इस रहस्य के पीछे की कहानी ऐसी है कि सूर्य अस्त के बाद इन जंगलों में श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। रासलीला एक प्रकार का नृत्य है जिसमें श्री कृष्ण बीच में बांसुरी बजाते हैं और गोपियां उनके मधुर बांसुरी के मधुर स्वर पर नृत्य करती हैं। गांव वालों के अनुसार इस रासलीला को देखना गलत होता है। निधिवन के जंगलों का एक चकित करने वाली बात यह है कि यहाँ के सारे पेड़ ऊंचाई में काफी छोटे हैं और सभी पेड़ों के लगभग सभी डाल नीचे की ओर झुके हुए हैं। और ये पेड़ ऐसे क्यों है ये किसी भी वैज्ञानिक को आज भी मालूम नहीं चल सका है। स्थानीय लोग और पंडितों की मानो तो उनके अनुसार ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है बल्कि ये पेड़ खुद गोपियां हैं। ये गोपियां रात के समय में अपने असली रूपों में आती हैं। और अगर आप इन पेड़ों को ध्यान से देखो और ऐसा लगता है कि इन पेड़ों ने एक दूसरे के हाथों में अपने बाहें डाल रखे हों। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये पेड़ नाच रहे हों। यहाँ तक कि इन पेड़ों के और तुलसी के पेड़ के नीचे गड्ढे बन जाते हैं। इन पेड़ पौधों के गड्ढे लगभग जमीन से 5 mm बाहर होते हैं और बिना पानी के भी ये तुलसी के पत्ते हरे भरे रहते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इन पेड़ों के नीचे गड्ढों का कारण है इन पेड़ों के अपने जगह को बदलना। यहाँ के लोगों ने इन जंगल के एक पेड़ पर एक धागा बांध दिया, लेकिन दोस्तों जब लोगों ने सुबह उस पेड़ को ढूंढा तभी उन्होंने पाया कि वो धागे वाला पेड़ एक अलग जगह पर पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग इस धागे वाले बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी बातों को कोई भी विश्वास कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों पेड़ों के नीचे गड्ढे का बनना ये लोगों को बिल्कुल विश्वास हो गया है, क्योंकि घूमने आए हुए कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। इस जंगल में लगभग 1600 गड्ढे हैं और इसका जवाब आज के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। यहाँ के लोग इन बातों का काफी पालन करते हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार सूर्य अस्त के बाद अपने घर की खिड़कियों से भी इन जंगलों को देखना एक मुसीबत का कारण हो सकता है, इसीलिए इस जंगल के आसपास के घरों में खिड़कियां मौजूद नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों ने अपने घरों में खिड़कियां बनाई ही नहीं है, और जिन्होंने बनाया है उन्होंने पूरी तरह सील कर दिया है। रात को अक्सर लोगों को अपने घरों के बाहर घुंघरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह आवाज कहां से आती है इस राज का पता कोई भी नहीं लगाना चाहता है और ना ही लगाता है, क्योंकि जो इस राज का पता लगाता है उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब इस जंगल की सबसे चौंकाने वाली चीज मैं आपको बता देता हूँ, और वो है रंग महल। रंग महल निधिवन में बना एक कमरा है जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रासलीला के बाद आराम करने आते हैं। हैरानी की बात यह है कि रात को पंडित अच्छी तरह से बिस्तर सजाकर पानी सुपारी और दूध रखकर ताला बाहर से बंद कर और वहाँ से चला जाता है, और जब पंडित जी सुबह आते हैं तब बिस्तर बिखरा हुआ दिखाई देता है। लोटे में पानी खत्म हुआ होता है और पान चबाया हुआ रहता है, और इस बात का सबूत वहाँ पर जाने वाले लोग हैं। इस हुए घटने को आज भी हजारों भक्त अपनी आंखों से देखते हैं। गांव के लोग इस बात का काफी ख्याल रखते हैं कि सूर्यास्त के बाद कोई भी जंगल में प्रवेश ना करे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इन बातों को चुनौती मानकर शाम को जंगल में जाने की ठान ली, लेकिन जो भी अंदर गया या तो वो अंधा होता है या तो मर जाता है। ज्यादातर अंदर जाने वाले लोग अपनी स्मरण शक्ति खो देते हैं और पूरी तरह भूल जाते हैं कि उनके साथ रात में क्या हुआ। इन जगहों पर बहुत सारे साधु संतों ने जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, और आज भी इन मरे हुए लोगों की समाधि इन्हीं जंगलों में है। ऐसा कहा जाता है कि
भगवान के दर्शन उस अमूम व्यक्ति को जरूर प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह भगवान के अपार ऊर्जा को देखकर सहन नहीं कर पाता और इसीलिए या तो वो अंधा हो जाता है या तो मर जाता है। इस जंगल की एक और चौंकाने वाली बात यह है कि दिन के समय में यहाँ पर काफी सारे बंदर होते हैं, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर रहने वाले सारे बंदर इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों, पूरे जंगल में किसी भी पंछी ने इन पेड़ों पर अपने घोंसले नहीं बनाया है। शाम की आरती के बाद बंदरों के जंगल छोड़कर जाना और इनका अदृश्य अक्सर लोगों को सोच में डाल देता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस जंगल पर काफी रिसर्च किया है, लेकिन वो यहाँ पर रहस्यमय तरीके से होने वाली घटनाओं पर रिसर्च पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। पेड़ों की ऊंचाई का न बढ़ना, उनके डाल का झुकना, पेड़ों के नीचे गड्ढे बनना, रंग महल में बिस्तर का बिखर जाना, पानी और पान का सेवन करना, बंदरों और अन्य जीवों का सूर्य अस्त के बाद जंगल को छोड़कर चले जाना, अंदर जाने वाले लोगों का सब कुछ भूल जाना और रात को जंगलों से घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देना, ये सभी कुछ न जाने किस ओर इशारा करते हैं। जंगल के आसपास लगभग 100 घर हैं, लेकिन आज भी कई घरों में खिड़कियां बिल्कुल नहीं हैं, और जिनके घरों में खिड़कियां हैं वह शाम होते ही अपनी अपनी खिड़कियों को सील कर देते हैं। उन लोगों को आज भी जंगलों से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई गई घटना को वहाँ के निवासियों ने बिल्कुल सच ठहराया है। वह सभी लोग इन घटनाओं को बिल्कुल सच्ची मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप गूगल पे सर्च कर आप इसके बारे में पूरी तरह जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा सा अपने फेवरेट जंगल अमेजोन के जंगल के ऊपर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप अमेजोन के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाने के लिए सोच रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले खतरनाक जानवर इस फिराक में इंतजार कर रहे होंगे कि कोई इंसान इसके नजदीक आए और ये उसे अपना भोजन बना ले। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों से भरा हुआ जंगल है। पीनट हेड बग, इस 3 इंच लंबे कीड़े का सर एक मूंगफली के दाने जैसा लगता है, जो इसे दूसरे जानवरों से बचाने में मदद करता है, क्योंकि कई जानवर इसके सिर की वजह से इसे छिपकली समझ लेते हैं और ज्यादातर जानवर छिपकली को नहीं खाते हैं, जिस वजह से कई बार यह अपने दुश्मनों से बच जाती है। इसके पास खाने के लिए मुंह नहीं होता है, इसीलिए यह पौधों के रस को चूसकर अपना पेट भरता है। डिकॉय स्पाइडर, इस अजीब सी दिखने वाली मकड़ी को साल 2012 में खोजा गया, जो खुद के जैसे दिखने वाली नकली मकड़ी को बनाकर दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाती है। ये खुद के जैसी मकड़ी बनाने के लिए मरे हुए कीड़ों और कचड़ों को काम में लेती है, जो कि बिल्कुल इसके जैसी दिखती है, चाहे वो सिर हो या 8 टांगे, जिससे दूसरे जानवर उसे रियल समझकर उस पर हमला कर देते हैं और फिर जाल में फंस जाते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह तरीका दूसरे जानवरों को कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट करने के काम आता है। असैसियन बग, यह छोटा सा दिखने वाला जानवर दूसरे जानवरों को आसानी से मार देता है, जो तब तक इंतजार करता है जब तक कि इसका शिकार इसके नजदीक ना आ जाए, फिर ये उस पर तुरंत झपट्टा मारकर उसे अपना शिकार बना लेता है। ये अपने नोकीले डंक से शिकार को पूरी तरह से चूस लेता है और साथ ही साथ उसके शरीर में जहर डाल देता है, ताकि उसके अंदर का हिस्सा लिक्विड में बदल जाए, जिससे वह तुरंत उसे आसानी से खा सके। कॉकरोच न्यूक्लियर अटैक से आसानी से बच सकता है, लेकिन यह कीड़ा उसे 4 सेकंड में मार सकता है। फिशिंग बैट, अमेजोन के जंगल में पाया जाने वाला ये चमगादड़ नॉर्मल चमगादड़ से काफी अलग है, जिसे आप देखने से पहले ही इसके आसपास होने की मौजूदगी को आप एहसास कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अजीब सी स्मेल दूर तक सूंघी जा सकती है, जिसके पंख उसके शरीर से काफी बड़े होते हैं, जिसकी साइज 12 इंच तक होती है, जो कि नॉर्मल चमगादड़ से काफी बड़े हैं, जिस वजह से ये काफी तेज और काफी दूर तक हवा में उड़ सकते हैं। ये अपने मजबूत और लंबे पैरों से पानी में से मछलियों को उठाकर खा जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, सोचो अगर आप जंगल से गुजर रहे हो तभी आपके सामने एक विशाल सांप आ जाए तो आपका क्या होगा? ऐसा आपके साथ रियल में भी हो सकता है। अगर आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जाने की सोच रहे हो, ये एनाकोंडा पल भर में एक इंसान को निगल सकता है, जो पानी में काफी फुर्तीला होता है, लेकिन दोस्तों, जमीन पर इसकी गति काफी कम हो जाती है। ये एनाकोंडा जहरीले तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको मार सकते हैं। दोस्तों, अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में जो आदिवासी रहते थे, ये एनाकोंडा उनके रहने वाले जगह पर पहुंच गया था और इसने देखते ही देखते
कई लोगों को काफी आसानी से निकल गया था। इसे देखने के बाद वह आदिवासी वहां से भाग निकले, क्योंकि इस एनाकोंडा को मारने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था, और साथ ही साथ ये एनाकोंडा काफी ताकतवर भी होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों, 1 लाइक जरूर कर देना।